मोहम्मद इखलाक हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कराची किंग्स के लिए डेब्यू था, 50 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच। रिक्वेस्ट वही होगी कि आज के मैच के मुतालिक PSL और कराची किंग्स के मुतालिक क्वेश्चन रखिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा डेब्यू मैच था, उसमें अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है परफॉर्मेंस वाइज, और अच्छा लगा कराची किंग्स की तरफ से खेल के। और नो डाउट हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही जिस तरह की टीम थी, लेकिन हमारा जो एंड हुआ है टीम का इस टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त हुआ है, और आने वाले इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट होगा कराची किंग्स उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी और कोई अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस देंगी। अखलाक, आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेले, ओवरऑल अगर 10 मैचों का अहाता आपसे करने का कहा जाए, क्या वजूहत थी क्यों कराची किंग्स हार रहा था? ऑन पेपर तो अच्छी थी टीम। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन अनलकी रहे हैं इस टूर्नामेंट में, मोस्टली जो मैचेस हुए हम बड़ा क्लोजली हारे हैं, तो बस यही था कि बैड लक चल रही थी, तो चीज़ें सारी ठीक जा रही थी लेकिन एंड पे आके कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। इखलाक भाई, आप पिछले साल इस्लामाबाद से खेले थे और उनकी बहुत बड़ी साइड थी, फिर भी आप प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे, तो इस दफ़ा लास्ट मैच आपको खिलाया गया, इस्लामाबाद का सफ़र और कराची का सफ़र कैसे देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे? जी जी, ज़बरदस्त है। मैंने इस्लामाबाद से भी क्रिकेट खेली है और कराची से भी खेली है, दोनों में बड़ा अच्छा इंजॉय भी किया है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन इधर कराची में अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, पहले मैच में परफॉर्मेंस हो गई है, तो इसमें भी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। बहराम जी, अखलाक, दिस बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। तो अगर हम पूरे सीज़न को इस तरह देखें तो काफ़ी बैटिंग में भी चेंजेस आए, बैटिंग ऑर्डर शफल होता रहा, ओपनर शफल होते रहे, और फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है बॉलर्स भी ट्राई हुए, मगर उस तरह कोई डेथ बॉलर भी नज़र नहीं आया, तो क्या सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगता है थी जो कराची इस साल परफॉर्म ना कर पाई? जी कराची की जो मेन हारने की वजह रही है वो यही रही है कि हमारा जो है ना डेथ बॉलिंग का थोड़ा सा रहा है, कैंड वाले जो 5 ओवर होते थे हमारे से वो वाले अच्छी बॉलिंग नहीं हुई फास्ट बॉलर से, अली तो ये रीज़न था। लाकी आज हारिस रऊफ, राशिद खान जैसे बेहतरीन बॉलर्स का आपको सामना हुआ, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा जो निकल के छक्का मारा आपने हारिस को, उसके बारे में कोई थोड़ा सा डिस्कस करें। जी बस जो इंसान की गेम होती है अगर उस पर बंदा अप्लाई करे तो फिर इस तरह के शॉट्स लगते हैं, और मेरा ये पेट शॉट है कि अगर स्पिनर लगा हो तो मैं फुटवर्क यूज़ करता हूँ और उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इखलाक, आपकी सारी क्रिकेट आपने लाहौर में खेली और अपना होम ग्राउंड था, तो आज आप नॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट में लाहौर और कराची की बड़ी राइवलरी है, तो एक लाहौर में लाहौर के खिलाफ खेलना कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस मैच को किस तरह सब्सक्राइब करेंगे? जी जी ज़बरदस्त, मैं बड़ा एक्साइटेड था इस मैच के लिए, क्योंकि जब आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो और इतनी बड़ी टीम जो टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और उसके अगेंस्ट आपका एक टीम की तरफ से खेल के डेब्यू हो रहा, तो अच्छा जो है ना महसूस कर रहा था और बड़ा इंजॉय भी कर रहा था।